हेलो हर्ष। हाँ जी सर, कैसे हो आप? बात फोन कर रहे हैं। कमाल हो आप, कमाल। मतलब थैंक यू सर, बट बताओ तो मैं वो ही बता रहा हूँ। मतलब मैंने आपके बारे में सिर्फ सुना ही था, मैंने कहा यार बात करनी चाहिए पर्सनली, वन टू वन फोन पे। दिल खुश हो गया था मेरा, दिल खुश हो गया मेरा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कैसे करते हो यार आप? एक मतलब जज्बा होता है, एक मतलब दिखता है आपका, अलग दिखता है यार। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कह रहा हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अलग दिख रहा था मुझे उस टाइम पे। भाई कौन सी टीम की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं? 2011 जब वर्ल्ड कप जीती है हमारी टीम। यार मतलब मैं सोच रहा था, एक बंदा जो आम आदमी की तरह पैसा कमाता है, अपने पैसों से गाड़ी गिफ्ट करी विराट कोहली को। भाई पीके फोन कर रहा है क्या? मैं क्यों दूंगा विराट को? और सुन, इससे भी बड़ी बात, मैं तो ये सोच रहा था आपने जब टीम जीती है, पूरी टीम का जो डिनर कराया 5 स्टार में, मैं मतलब ये सोच रहा था कि इस इंसान के पास पैसा नहीं है, लेकिन ये लगा पड़ा है यार, लगा पड़ा है। अबे दिमाग खराब है क्या तेरा कुछ? क्यों पीके फोन कर रहा है? क्यों गिफ्ट करूंगा मैं किसी को गाड़ी, और क्यों डिनर कराऊंगा मैं? क्यों? अबे भाई मैं क्यों दूंगा यार, मैं आम आदमी हूं, मैं क्यों दूंगा उसको भाई कुछ? तो नहीं देगा ना? नहीं भाई, क्यों पागल वागल हो गया क्या? तो जीतने पे जब कार नहीं देगा विराट कोहली को, या इंडियन क्रिकेट टीम का डिनर नहीं कराएगा, या उनको कोई गिफ्ट नहीं देगा, तो हारने पर बुरा भला कैसे कह सकता है तू? उस वक्त किया था कुछ जब जीते थे ये? और सबसे पहली बात, ये जो सोशल मीडिया पे तुम मजाक उड़ा रहे हो ना, सोशल मीडिया पे बुरा भला कह रहे हो टीम को, पहले तो ये तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं कि ये शुरुआत हुई थी। कैसे डिसाइड कर लिया तुमने कि वर्ल्ड कप ही हमारे हाथ से निकल गया? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, फोन मत काटना प्लीज, मेरी बात सुनो। एक मुझे मालूम है कि जज्बात होते हैं हमारे अंदर, मुझे ये भी मालूम है कि हम जीतने की उम्मीद पूरी रखते हैं, ये भी मालूम है कि जब हार जाते हैं तो दिल भी बुरा होता है, लेकिन इस तरह साथ छोड़ देना, और खास तौर से सोशल मीडिया पे, कि अब कुछ नहीं हो रहा, अब तो शुरुआत ही गलत हो गई। क्या करते हो तुम वैसे, बताना मुझे? सर फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट। एग्जाम हो गए तुम्हारे, मार्क्स कैसे आए? अभी सर अच्छे नहीं आए, थोड़े फर्स्ट ईयर में अच्छे नहीं आए, थर्ड ईयर में तो इससे भी बुरे आ रहे हैं तुम्हारे, अगर कह दूं मैं ये। शुरुआत है ना, हाँ ये तुम्हारे जो मुंह से निकल रहा है शुरुआत है ना ये, हमें क्या पता कि थर्ड ईयर में तुम झंडे गाड़ दो शायद। यार ऐसे कैसे अंदाजा लगा लेते हो तुम? तुमने क्या समझ रखा है तुम घर बैठकर? मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम पता नहीं मुझसे छोटे ही हो गए, मैं एक बात बता रहा हूँ। हमारे एक अंकल है, जिंदगी भर उन्होंने बैट को हाथ नहीं लगाया, लेकिन घर बैठ के इतना भाषण दे देंगे कि अगर ये करते, अगर वो करते, अगर मैदान में खड़ा कर दिया तो टांगे कांप जाएंगी इतने लोगों का शोर सुन के। वैसे कर क्या रहे हो तुम्हें बातों में पूछा नहीं मैंने तुमसे, कर क्या रहे हो तुम एग्जैक्टली? इंजीनियरिंग कर रहे हो तुम अकलमंद पढ़े लिखे इंसान हो, तो तुम क्यों ऐसे कर रहे हो यार? क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों बुरा भला कह रहे हो टीम को, और वो भी सोशल मीडिया पे जहां तुम्हारी बातों को कोई असर नहीं हो रहा? सर कल के मैच से काफी उम्मीद थी सर, मगर बस अगर शार्दुल को खिला देते तो तुम इंजीनियरिंग ना करके अगर होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते तो ज्यादा अच्छा मार्क्स आते, कि तुम बेहतर जानते हो ना तुम क्या बेहतर कर सकते हो, ऐसी टीम को पता है। मेरी बात सुनो और ये चीज अपने दिमाग में घुसा लो, बल्कि ये लोगों को भी बताना, हम अपनी टीम को सपोर्ट इसलिए नहीं करते कि वो जीतते हैं, हम अपनी टीम को सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत खत्म नहीं हो सकती, और खास तौर से सिर्फ एक मैच से। मैं बस थोड़ा इमोशनल हो गया। वो समझ रहा हूँ कि तुम हो गए होगे, लेकिन उम्मीद रखो ना, अभी तो वर्ल्ड कप बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। बाय बाय। अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम को या किसी भी दुनिया की टीम को सिर्फ एक मैच से जज मत करिए, जोश और जुनून के साथ अपनी टीम को सपोर्ट करिए और आखिर तक सपोर्ट करिए। गुड लक, थैंक यू सो मच, बाय। हेलो अनुज बोल रहे हो आप? अनुज? हाँ जी अनुज, आपके कॉलेज से बोल रहा हूँ, आप कौन से बैच के हो? मैं 2019 बैच का। 2019? हाँ जी। अच्छा, मैं बेटा एडमिन से बोल रहा हूँ, तो ये थोड़े से मुझे कुछ आपको कॉलेज के रूल्स के बारे में बताना है, यू नो, और थोड़ा सा प्रोटोकॉल के बारे में बताना है। तो कहाँ रहते हो आप? केशवपुरम। अनुज, मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट को बाद में प्रॉब्लम ना हो, एडमिन को प्रॉब्लम ना हो, कॉलेज को प्रॉब्लम ना हो, प्रिंसिपल तक कोई शिकायत ना जाए। तो ये 2-3 बातें हैं जो आप ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल,
कैंटीन जाके अगर चाय पीते हैं, मैगी खाते हैं या कोई खाने का सामान लेते हैं, फिनिश योर फूड, फिनिश योर टी, उसके बाद कप आप खुद उठाओ, उसके बाद डस्टबिन में डालो, राइट? ओके सर। अगला मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं, ऑडिटोरियम में अगर कोई फंक्शन होता है, ऑडिटोरियम में कोई फंक्शन होता है, कोई हूटिंग नहीं होगी, अगर कोई स्टेज पे बोल रहा है, कोई स्टेज पे बोल रहा है, चीफ गेस्ट आया हुआ है, प्रिंसिपल कुछ बता रहे हैं, बीच में नहीं टोकना, हूटिंग नहीं करनी, शोर नहीं मचाना, और अपनी सीट पे बैठना है आपको। ओके सर। एंड वन लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट अनुज, ये मैं सबको बता रहा हूं और सबको कॉल करूंगा मैं, बिना हमारी परमिशन, बिना प्रिंसिपल की परमिशन कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं करना है, किसी सिंगर को आपको बुक नहीं करना है जब तक हमसे परमिशन नहीं लोगे आप। Is that clear, Anuj? अरे ठीक है यार, दो साल हो गए हैं, कॉलेज की शक्ल देखी नहीं है, घर वाले वैसे परेशान करते हैं, तुम कॉलेज बुलाते नहीं, हद हो गई है। मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन होना नहीं चाहिए ये सब, कॉलेज की कैंटीन गंदी नहीं होगी, नहीं बुलाना बुलाना की बात है, कैंटीन गंदी नहीं होगी, बात की बात है तो बताना जरूरी है, ऑर्गेनाइज नहीं करोगे आप कोई भी फेस्ट बिना परमिशन के हमारे। क्या यार साला बोले जा रहे हो, तब से रूल तोड़ने के लिए कॉलेज आना पड़ेगा ना, बारहवीं से यहाँ तो रूल तोड़ोगे नहीं, रूल तोड़ोगे नहीं, बिल्कुल समझ गए आप, कोई रूल नहीं तोड़ोगे, घर पे बैठे नहीं तो नहीं, हाँ नहीं रूल नहीं तोड़ोगे आप, रूल बिल्कुल नहीं तोड़ोगे, कोई रूल नहीं तोड़ा जाएगा, कॉलेज नहीं आएंगे, ये नहीं देख सकता मैं, चौक उठा के मार रहे हो, घर वाले वैसे बोलते रहते हैं, कोई रूल नहीं तोड़ा जाएगा, कोई नहीं क्या नहीं, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, रूल बनाए जा रहे हैं तब से कॉलेज पे, नहीं लैब में, लैब में आप लैब में इस तरह की हरकत नहीं करोगे, लैब है कहाँ साली, मैंने तो देखी नहीं है कहाँ, ये कब बनी हो, ऑडिटोरियम में चुप बैठना है बिल्कुल, समझ गए आप, अरे मैं घर में चुप बैठा हूँ तब से यार, दो साल से तुम बुलाओ तो सही कॉलेज, अरे तो ये मैं नहीं जानता, ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, साला घर पे मर जाऊंगा मैं, कॉलेज खुलेगा नहीं तब से, दिमाग खराब हो गया, नहीं कॉलेज का मुझे पता नहीं, कॉलेज खुलेगा नहीं खुलेगा, मुझे कॉलेज का कुछ नहीं पता, कॉलेज का रूल नहीं टूटना चाहिए, कॉलेज का रूल नहीं टूटना, मैंने बात नहीं करा आपसे, आप कॉलेज आइए, कॉलेज आइए, कॉलेज में बात करनी, कॉलेज तो आ नहीं सकते आप, कॉलेज आके नहीं, मैं घर पे, मैं भी कैसे घर आऊंगा, मैं खुद नहीं आ सकता आपके घर, आप कॉलेज जा सकते, वो क्या रहा है, मैं खुद परेशान हूँ यार, इन बच्चों के एडमिशन हो गए, दो साल से पैसे दे रहा हूँ, कॉलेज की शक्ल लेने की ऊपर वाले, इनके फ्यूचर के लिए कुछ कर ले, मैं आपसे बातें बात करूंगा भाई, अरे यार ये कब जाएंगे कॉलेज, दो साल हो गए घर में पड़े पड़े, फीस दिए जा रहे हैं, लेकिन कॉलेज का कोई भी रूल नहीं तोड़ना है, ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर करिए और टैग कर दीजिए उन लोगों को जिनको लगता है कि कॉलेज का रूल तोड़ देंगे, जो चाह नहीं रहे, बाय। हेलो हेलो, हाँ जी सर, मैं जाके मुरादाबादी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ होम अफेयर्स एंड कल्चर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट ऑफ लॉ बिजनेस स्कूल ऑफ आर्ट एंड साइंस हाई डायनेमिक अकेडमी ऑफ नेशनल थिएटर एसोसिएशन से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हो? सर मैं जाके मुरादाबादी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ होम अफेयर्स एंड कल्चरल ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट ऑफ लॉ बिजनेस स्कूल ऑफ आर्ट एंड साइंस डायनेमिक अकेडमी ऑफ नेशनल थिएटर एसोसिएशन से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। सर मैं ये बताना चाह रहा था आपको, हमारे जाके मुरादाबादी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ होम अफेयर्स एंड कल्चर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट ऑफ लॉ बिजनेस स्कूल ऑफ आर्ट एंड साइंस एरोडायनेमिक अकेडमिक नेशनल थिएटर एसोसिएशन एक फेस्टिवल करा रहा है सर। अच्छा फिर तो सर हमने सोचा है कि हमारे जाके मुरादाबादी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ होम अफेयर्स एंड कल्चर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट ऑफ लॉ बिजनेस स्कूल ऑफ एंड आर्ट साइंस एरोडायनेमिक अकेडमिक नेशनल थिएटर एसोसिएशन ये सोच रहा है कि सर हम आपको भी बुलाना चाहते हैं यहाँ पे हमारे फेस्टिवल में, हमारा फेस्टिवल हो रहा है सर। अच्छा कब है आपका फेस्टिवल? सर जैसे कि लास्ट ईयर जाके मुरादाबादी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस बायोलॉजिकल सिस्टम एंड होम अफेयर्स कल्चर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। ओ हेलो, इसका कोई छोटा नहीं है नाम सर? किसका? अरे आपका ये जो इंस्टीट्यूट है लंबा सा जो... अच्छा सर ये जाके मुरादाबादी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ होम अफेयर्स एंड कल्चर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट ऑफ लॉ बिजनेस स्कूल ऑफ आर्ट एंड साइंस एरोडायनेमिक अकेडमी ऑफ नेशनल एसोसिएशन थिएटर की बात कर रहे हैं आप? अरे यार मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 5 मिनट खा गया, काम क्या है तुझे? सर वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, हमारे जाके मुरादाबादी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ होम अफेयर्स कल्चर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट लॉ बिजनेस स्कूल ऑफ आर्ट एंड साइंस एरोडायनेमिक अकेडमी ऑफ नेशनल थिएटर एसोसिएशन ने सोचा है कि सर अगर हम आपको एज अ चीफ गेस्ट बुलाते हैं तो बहुत खुशी होगी। अरे तो किस तरह का फेस्टिवल है यार, कुछ तो बताओ मुझे क्या करना है इसमें? मैं आपको बता देता हूँ सर। डेट क्या है? सर डेट आपके कन्वीनियंस के हिसाब से भी रख सकते हैं।
पढ़ाना कहाँ होगा मुझे? जाके मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ होम अफेयर्स एंड कल्चर, लॉन्चिंग डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, बिजनेस स्कूल ऑफ आर्ट एंड साइंस, एरोडायनामिक एकेडमिक, नेशनल थिएटर स्टेशन, कहीं भी। छोटा नाम नहीं है तुम्हारे कॉलेज का जो भी है ये कलम बना में। सर इसका कहना है जाके मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। खराब कर दी तुम कर। हेलो। हेलो। हाँ जी मैडम, मैं विशाल बोल रहा हूँ। से आपका मेल आया था, कुछ प्रॉब्लम थी रेफ्रिजरेटर में? अरे भैया आप 5-5 दिन बाद फोन करते हो, इतनी दिक्कत आ रही है, मेरा फ्रिज खराब पड़ा है। ओह ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, फ्रिज खराब होने से तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, वो आप जायज हो अपनी जगह। क्या हुआ, क्या है फ्रिज में? बर्फ नहीं जमती भैया। अरे यार बर्फ नहीं जमने से तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, आदमी रूह अफजा बना सके, ना लस्सी बना सके, ना कुछ कर सके। नहीं और क्या, मेरा सामान खराब हो रहा है भैया। सामान खराब और अलग हो जाता है, मतलब आटा सड़ गया और ये हो गया, फिर कुछ रख ही नहीं सकते ना। है क्या, दूध भी सड़ जाता है? हाँ दूध सड़ जाता है, फिर ये है दोबारा मंडी वो डेयरी जाओ दोबारा लेके आओ, ये तो है, ये तो सही कह रहे हो आप। और कुछ है इसमें? चलते चलते हीट निकल जाती है पीछे से, गर्मी गर्म करता है इतना ज्यादा। हे यार पीछे से हीट निकल रही है और क्या भैया। यार ये बड़ी मुसीबत होती है यार, पीछे से हीट निकले ना वैसे पीछे दीवार गर्म हो जाती होगी। अरे ये बात तो है, परेशानी तो बहुत होती है बहन जी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा होती है। ठीक कब करवा रहे हैं ये बताइए? कंप्लेंट कब करी थी आपने? भैया 5-6 दिन हो गए हैं और कोई एक्शन नहीं लिया अभी? कोई एक्शन क्या, रोज ये हाँ ये बड़ा अजीब लगता है, 5 दिन अगर वो करे ना कंप्लेंट करे आदमी कोई एक्शन ना ले, बड़ा अजीब सा लगता है। बड़ा अजीब क्या भैया, हर बार कोई भी फोन करता है तो यही सवाल पूछता है जो आप पूछ रहे हो। बड़े अजीब लगते हैं सवाल पूछने, बहुत अजीब लगते हैं यार, ये तो आप सही कर रहे हो बहन। मेरे को कब आ रहा है? कौन कब आ रहा है? कौन भैया? ठीक करने? ठीक से बात। हाँ जी ठीक करने कब आ रहा है? अब देखो आएगा कोई नहीं आएगा, क्या पता भगवान जाने। मुझे लग रहा है रिपोर्ट करनी पड़ेगी आप लोगों की। एक सेकंड आप रिपोर्ट मत करो, एक सेकंड में ज्योति से पूछता हूँ। ज्योति कल जा सकती है? अरे नहीं नहीं जा सकती है, बच्चे स्कूल हैं। और यार यहाँ ये भी बड़ी परेशानी होती है यार, बच्चे स्कूल, फिर सब्जी बनाना, फिर अपने बच्चे लेके आना। मोहित तू जा सकता है? नहीं। और अच्छा क्या हुआ है? हाँ नहीं ये तो है, ये तो है, वो इंजेक्शन का दर्द रहता है कई दिन तक तो चला भी नहीं जा रहा। चार बार और भी आस पास होंगे उनसे भी पूछ लो कोई आ जाए तो। हमने और पूछता हूँ, विशाल तू जाएगा? नहीं जा रहा। तेरा क्या है, तेरा क्या चक्कर है? पेट खराब है। क्या कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा? ये एक तो उल्टे सीधे खाने से ना बड़े पेट खराब होते हैं। आपका फ्रिज खराब है, इसका पेट खराब है, पहले पेट ठीक करा दें। और भैया मैं फ्रिज भेज देती हूं ना आपके पास। ये बड़ी गलत बात है, ये चिल्लाते हैं ना लोग, मेरे को बड़ा अच्छा, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं तो चला जाता हूँ। हेलो संजय जी, कौन बोल रहे हैं? संजय जी गुड मॉर्निंग। संजय जी मैं इंटरनेशनल स्कूल से बोल रहा हूँ, एडमिन डिपार्टमेंट से। हाँ जी बोलिए। संजय जी थैंक यू सो मच, आपसे बात हो रही है, आई एम सो प्राउड ऑफ दिस थिंग। बट संजय जी हमारे स्कूल का ना एनुअल फंक्शन है, तो संजय जी हम चाहते हैं एज अ चीफ गेस्ट आप आए, क्योंकि मैं ही नहीं चाहता संजय जी, पूरा स्कूल चाहता है, बल्कि प्रिंसिपल मैम कह रही थी कि हम चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं संजय जी को, ही सिर्फ आप ही को चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं और बच्चे बहुत खुश होंगे। चलिए चलिए मेरे सौभाग्य की बात है, मतलब स्कूल में आके बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करूंगा अपनी बातों से। जरूर मोटिवेट करिएगा और काफी कुछ सीखते हैं बच्चे। और मैं ऑनेस्टली बताऊं पूरे मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम चीफ गेस्ट आपको ही बुलाएंगे। चलिए 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 आपका बड़प्पन है। थैंक यू सर। सर आप प्लीज आना, सर प्लीज आना, मैं आऊंगा। एक डेट कब की आपने बताई मेरे? सर 18 तारीख को। एक मिनट मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहता हूँ, कैलेंडर चेक करता हूँ। 18 सर 18। या वो खुद बात करने कह रही थी, डायरेक्ट कह रही थी, लेकिन आप रिक्वेस्ट करके देखो सर, बच्चे भी यही चाहते, पूरा मैनेजमेंट चाहता है आप आए एज अ चीफ गेस्ट। सर प्लीज, सर प्लीज, मैं चलो अपने असिस्टेंट को बोलता हूँ कर लेगा। सर प्लीज प्लीज सर, आप गाड़ी भेज दें सर, आपको पिक करने के लिए गाड़ी भेज देंगे सर आपको। एक घंटा अगर आप दे दें सर स्कूल को, सिर्फ एक घंटा सर प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट सर, आप ही चाहिए हमें चीफ गेस्ट।
चलो एक काम करना, मुझे परसों एक बार कॉल करना सर, प्लीज 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 सर, आई विल कॉल यू सनी जी, आई विल कॉल यू, लेकिन सर आप जरूर आना, कोई ट्राई करना सर, क्योंकि सर ऑनेस्टली सिर्फ आप ही को चीफ गेस्ट देखना चाहते हैं बच्चे और पूरा मैनेजमेंट, और मैं भी सर स्पेशली, ओके ओके सर, सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हेलो पवन जी, वेरी गुड मॉर्निंग पवन जी, मैं इंटरनेशनल स्कूल से बोल रहा हूँ। पवन जी हमारा एनुअल फंक्शन है, पवन जी हम चाहते हैं कि आप चीफ गेस्ट आएँ और सिर्फ आप ही को चाहते हैं सर। हमारा पूरा मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मैम तो खुद कह रही थी कि सिर्फ पवन जी आएंगे एज ए चीफ गेस्ट, हम किसी और को नहीं चाहते, बच्चे बहुत खुश होंगे सर। मैं चाहता हूँ स्पेशली सर आप एक घंटा निकाल लें पवन जी, तो हमारे बच्चे बहुत खुश होंगे, इट विल बी ऑनर्ड सर प्लीज, अगर आप निकाल लें। दोबारा संजय का फोन मिला, कितने चीफ गेस्ट आए तुम्हारे उसमें इवेंट में? कौन बोल रहा है? संजय बोल रहा हूँ। आपको मिला कितने चीफ गेस्ट आ रहे हैं? आपको मिला दिया सर, आप आइए ना। हाँ सर, सर आप आइए सर, सर हम आप ही को चाहते हैं सर, प्लीज कम सर, प्लीज कम सर, थोड़ी होता है तुम्हारे इवेंट में, मेरे को आना था, टाइम निकाल के मेरे को टाइम पास कर रहे हो यार। हेलो, ये रासे रमेश जी से बात कर सकता हूँ? रासे रमेश जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलो, रमेश बोल रहा हूँ सर। मैं आपके बेटे सास से सचिन के स्कूल से बोल रहा हूँ। हाँ जी, कहाँ से काम था आपसे और जहाँ से जरूरी काम था इसलिए मैंने आपको ये फा से फोन किया है। जहाँ से जरूरी काम था सर इसलिए मैंने फा से फोन किया है आपको, क्योंकि सासे सनी की कुछ हरकतें था से ठीक नहीं लग रही हैं, और मैं उसका हाँ से हिंदी का टीचर बोल रहा हूँ, और मुझे क्योंकि आपसे बा से बात करनी थी, क्योंकि जहाँ से जरूरी बात करनी थी, क्योंकि कल से माँ से मीटिंग शुरू हो जाएगी। भाई साहब, ये तो आपकी बात नहीं आ रही, पता नहीं क्या सर। मैं आप बात से बुरा मत मानना, आया कि आप स्कूल से बोल रहे हो, नहीं बात क्या नहीं है वो मैं नहीं आ रहा। मैं आपको वही बता रहा हूँ, बात से बुरा मत मानना, मैं हाँ से हिंदी का टीचर हूँ, आ से इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ सर। यहाँ पे मैं हाँ से हिंदी सिखाता हूँ बात से बच्चों को, तो आप कम से कम सा से समझ तो जाओ ना सर। आप अपने बा से बच्चे पर धा से ध्यान क्यों नहीं देते सर? मैं आपको सही बता रहा हूँ, पूरे सासे स्कूल में आ से आपका बच्चा सासे सबसे बड़ा शासे शैतान है। भाई साहब ये तो मैं तो मिलके आया हूँ स्कूल में, कभी ऐसी बात तो हुई नहीं, आज तो मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं तो सर मैं जहाँ से झूठ बोल रहा हूँ सर, बा से बच्चों का हमें सबसे ज्यादा धा से ध्यान रखना पड़ता है, मैं आपको सासे सही बताऊँ, और आप बातें ऐसी कर रहे हो, मुझे बिल्कुल वो लग रहे हो चा से। चा से क्या लग रहा हूँ? अच्छा से आप चालाक लग रहे हो मुझे, आप बातों को ना घास से घुमा रहे हो। बेकार की बात कह रहा है, मेरी बात सुनिए सर, मैं रेडियो मिर्ची से ना से नवेद बोल रहा हूँ, और एक बार बताऊँ आप वाकई में वही हैं चा से चालाक आदमी। ये भाई साहब मैं कनाट प्लेस के पार्क से बोल रहा हूँ, ये पार्क में एक बैग मिला है, 25,000 रुपए कैश है इसमें, आपका है क्या ये? हेलो भाई साहब। हाँ जी सर, हाँ बैग, जी हाँ सर मेरा ही है वो। ओफ हो, मतलब कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है सर, मतलब पूरे घर में इस बैग की वजह से बखेड़ा खड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच आपने फोन कर दिया सर। नहीं मैंने अभी यहाँ पे देखा है, मैंने कहा था भाई इसमें ना पर्ची भी पड़ी हुई थी, कई सारे मतलब नंबर भी थे, मैंने आपको भी डायल किया, ये आप ही का बैग है ये? हाँ सर मेरा ही बैग है सर जी। अरे हाँ संदीप, हेलो, मैंने यही देखा, मैंने कहा 25,000 रुपए कैश है यार इसमें, ऐसे खुला पड़ा हुआ है, मतलब आज ही बैंक से पैसे निकलवाए थे, और मैं मतलब दिमाग से ही निकल गया कि कहाँ है अभी याद है आपके फोन करने पे कि मैं पार्क में भी गया था, तो हो सकता है वहीं छूट गया हो। हाँ वही वो खुला पड़ा हुआ है बैग, ये ब्लैक कलर का बैग है ना? हाँ हाँ ब्लैक कलर का है, लेदर का होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेदर का तो नहीं है, प्लास्टिक का था। प्लास्टिक का? अरे हाँ सुन रही हो, मैं प्लास्टिक का क्या? हाँ सर अभी बताया दीदी ने, प्लास्टिक का ही ले गया था मैं, ब्लैक कलर का प्लास्टिक का, आप ही का है ना? जी जी। आर यू श्योर आपका है? ब्लैक कलर का प्लास्टिक का बैग है, और 25,000 रुपए कैश है उसमें? हाँ बिल्कुल आप ही का है, सुबह ही निकाले। हाँ आप ही का है ना? 25,000 रुपए के लिए मैं झूठ बोल क्या? नहीं देना तो मत दो, बार बार एक ही बात पूछे जा रहे हो आप। नहीं मतलब आप ही का है ना? मेरा ही है, कितनी बार कहूँ। और इसके बराबर में जो लाश पड़ी है ये किसकी है? मैं कांस्टेबल दीर पार बोल रहा हूँ कनाट प्लेस इलाके से,
यहाँ पे अभी हम आए हैं, यहाँ पे पार्क में हमने छामनी डांस बना रखी है पूरी। पार्क में हमने देखा है एक बैग पड़ा जिसमें 25,000 रुपए कैश है और एक लाश पड़ी हुई है। लाश की हालत इतनी खराब है मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। 25,000 रुपए कैश है, बराबर में लाश है, ये किसकी है सर? कौन से रंग का ब्लैक बैग बताया आपने भाई? ब्लैक कलर का बैग अभी तूने बोला ना? नहीं सर, मेरा थोड़ा लाइट ब्लैक था। तो ये भी तो लाइट ब्लैक है। एक सेकंड। अरे वो ये कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तूने अभी खुद बताया बैग मारा है, बैग मेरा, मैंने 5 दफा पूछे, तूने खुद बोला, अपनी वाइफ से भी कंफर्म किया है। भाई यहाँ पे आओ और ये पुलिस वाले और आ रहे हैं, पूरा बयान दो, बैग किसका है, लाश किसकी है, सारी बात बताओ, वरना हम आएंगे आपके पास, ठीक है? अरे दीपाल, इन्होंने कबूल किया है कि इनका बैग है। हेलो सर, I'm sorry सर। ये अभी तूने कहा, ये क्यों कहा फिर बैग हमारा है? सर वो सर हमें बैग जमा करना पसंद है सर। भाई बैग जमा करना पसंद है तो ये वाला क्यों? सर वो ब्लैक ज्यादा अच्छे लगते हैं सर। भाई बुरे काम का बुरा नतीजा है, इसलिए कहता हूँ लालच करना बंद करो, आप रोना बंद करो। मैं धीरपाल नहीं बोल रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाँ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि लालच नहीं होना चाहिए इंसान में। इंसान में जिस दिन लालच बढ़ जाएगा वो जिंदगी तबाह हो जाएगी, लालची आदमी का कोई नहीं होता सर। हेलो हंस रहा है, है? बतमी हंस कैसे रहा है, बेगैरत इंसान, मेरा बैग है, लाश किसकी है? हेलो हाय अनुषा, आई एम सॉरी। सॉरी हू इज दिस? अनुषा, आई नो व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, इट वाज नॉट गुड, लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ अस आपकी और कार्तिक की लड़ाई हुई क्लब में, एंड मैं कार्तिक का फ्रेंड हूँ, एंड आई टोल्ड हिम दैट यार तू अकेला चला जा। एक सेकंड, लिसन, हेलो, यस, हूएवर यू आर, आई रियली डोंट केयर, पर कार्तिक को खुद भी और आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर मैं उससे इतने टाइम बाद मिली तो आपको क्लब नहीं आना चाहिए। आई ट्रस्ट मी, हमने उसको बोला था, यू नो मैंने उसको, या तो आपको खुद समझ नहीं आता है, जब वहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ तो आपने देख लिया, चलो ठीक है आप आ गए, आप में इतनी समझ नहीं है कि आप साइड हट जाते जब मैं उससे मिल रही थी। वी वांटेड टू गो बट कार्तिक बोलने लगा नहीं यार वो तुम अलग बैठ जाना थोड़ी देर के बाद, वहाँ अंधेरा इतना था, यू नो। नहीं एक सेकेंड, आप मेरी बात सुनिए, उसको चलो ठीक है उसको समझ नहीं है, आप में इतनी समझ नहीं है कि आप खुद साइड हट जाते बैठे रहे वहीं पे? नहीं, यू वर क्राइंग, आप रो भी रहे थे। हाँ तो मैं जब रो रही थी तो तब साइड हट जाते, तब भी वहीं पे बैठे रहे। नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगा ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा वो आपके आंसू भी अच्छा पोंछ रहा था। अच्छा नहीं लगा तो फिर हटिए। नहीं वो आपके आंसू पोंछ रहा था कार्तिक, यू नो प्रॉब्लम है वो मेरे नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा रुमाल से आंसू पोंछ रहा है वो आपके। नहीं तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम है, नहीं जब वो पोंछ रहे आंसू तब हट जाते। नहीं लड़ी फूल बैठे रहे वहीं पे। आई एम नॉट सेइंग यार, मैंने उसको मना किया था, मैंने मना किया था, मेरे को ठीक नहीं लग रहा था वो आपका रुमाल, वो रुमाल से आंसू पोंछ रहा था, ठीक नहीं लग रहा था उसने, क्योंकि यार अनुषा उसने मेरा रुमाल लिया था, उसके पास नहीं था उस टाइम पे, मेरा रुमाल लिया अनुषा, मैं उसको मना कर रहा था मेरा रुमाल मत ले, आपके आंसू पोंछ रहा है, पूरे चेहरे पे आंसू है, और मैं उससे मना कर रहा था, मुझे बहुत तेज जुकाम हो रखा है, इतना तेज जुकाम है मेरे को 2 दिन से, मैंने उसको बोला भी, मैंने इशारा भी किया, रुमाल को दबा के तो देख ले कम से कम, अंदाजा ही हो जाता। मैं आपको सही बताऊं, रुमाल मैंने कैसे रखा हुआ था मेरे को पता, मेरी जेब भारी हो रही थी, लेकिन मोहब्बत मैं भी समझ सकता हूं भाई, मोहब्बत है, लड़की के आंसू नहीं देखे जाते गर्लफ्रेंड के, उसने सारा खोल के भी पोंछे थे क्या? उसको पता था कि आपको जुकाम है? उसको मेरे को नहीं मालूम, मैंने तो छीके मारी 5-6, मैं जब आप क्लब में अंदर आए मैं छीक ही रहा था बार बार। आर यू देयर? फोन रख बहन, मेरी बात तो सुनो, मैं आप फोन रख बहन, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, मैं फोन रख बहन, फोन रख, मैं नहीं रख रहा तो मैं रख रही हूँ बहन। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर अनूप। गुड मॉर्निंग, आपके बेटे के स्कूल से बोल रहा हूँ, आई गॉट योर मेल, आप थोड़ा सा उसमें समझना चाह रहे थे फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल। इस बार ये फीस का मैं पूछना चाह रहा था, क्या हो के बाद आप लोग बढ़ा के भेज देते हो, क्या चल क्या रहा है? जो बच्चे की जो ट्यूशन फी होती है वो तो सेम है। अच्छा राइट सर, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो करा रहे हैं ना उसके थोड़े से चार्जेस बढ़ गए हैं।
उसके कौन से चार्जेस ऐसे कौन से बढ़ गए कि आप इतने बढ़ा के भेज दोगे एक ही बार में? 1800 रुपया बढ़ा के भेज दो, पहले भी आपने पिछली बार 1000 रुपए बढ़ा दिए थे। काम करिए ना, कम टू स्कूल एंड प्रिंसिपल से भी आपकी बात करा देंगे हम। हाँ ठीक है, आई कम टू स्कूल, बात करता हूँ उनसे। आपसे तो बात करके कोई फायदा है नहीं। नो सर, बात से याद आया सर, कल की बात तो बताई नहीं मैंने आपको। कौन सी बात सर? सर कल ना मैं टॉयलेट गया, थोड़ा सा लेट पहुंचा, वो शुरू की निकल गई। हेलो, क्या कर रहे हो? ये स्कूल से बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? नहीं सर, स्कूल से ही बोल रहा हूँ। तो भाई होश में हो, ये क्या बकवास करने जा रहे हो? निकल गई क्या है? क्या नहीं है ये? सर तो आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? अरे क्या टॉयलेट क्या निकल गई, कमाल कर रहे हो यार, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। सर क्या निकल गया? थोड़ी सी निकली थी मेरी। तो यार ये तो बताने वाली बात होती है, निकल गई। अक्षय कुमार का एक एक डायलॉग याद है, मैं एंड तक बैठा हूँ फिल्म में। मुझे मालूम नहीं था कि अगर सिर्फ नंबरिंग नंबरिंग निकली शुरू की उसमें भी आप इतना गुस्सा करोगे। बट आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा, बट मस्ट वॉच मूवी सर, मस्ट वॉच मूवी सर। मैंने सुनी है तारीफ, आई विल गो एंड वॉच। प्लीज जाना और प्रिंसिपल के पास भी आना सर। सर प्रिंसिपल भी कुछ ना कर पाए ना तो आप मेरे पास आना, क्योंकि सर मैं नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मुर्गा बनाते हैं, एक प्रथा है हमारी, ये शिकार आपका कर लिया। यू आर ऑन रेडियो मिर्ची सर, वेलकम। नावेद भाई यार आप सवाल कर रहे थे यार, कब कर देंगे आप? सर मैं मोहब्बत करता हूँ। हेलो याथम्बा, हेलो याथम्बा, कौन? या प्राग, या स्पीकिंग, या न्याली थी आओ ये प्राग, आई एम सिंग जिंक। आई कांट गेट, आई कांट अंडरस्टैंड यू। I am calling from China. I am Zing, Thomas Zing. We got your complaint from Carol Bag. You are racket, Chinese not working, mosquito racket. Yes, 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 yes. Racket. Not working, right? We are very kind. We are sorry for this. I bought it and within 4 hours it stopped. Why? We are so kind, China. I am not happy. Pathetic service. From 1 week, I am not using it. Charging. We are regretting. We are sorry for this. We are giving you the new racket. You thumb up. You don't very worry. Very bad service. Very bad service. What happened to your racket? I purchased it. Hello? Yeah. I purchased it. The shopkeeper, he showed me with the tester, the chingari thing. I got it home. No mosquito killing. The racket is not responding. We are sorry for this. We are our product here, Chinese very product. Bad. Within 2 minutes, just not responding. When mosquito is inside, no chatter is coming. Yeah, Parag, we are very sorry. I am Zink. I am calling from China and we are bear this thing here and we'll give you the new racket. I want new, yes. Yes. You don't worry. We'll give you the new racket. Yes. Yeah. And one more thing. What's your name? Zing. What's your name? Zing. Mink. Yeah, Zing. Mink, one more thing. Don't send it to Karol Bagh's Gurpuri shop. Why Karol Bagh's Gurpuri is our very old dealer from that? People are abusing him. You sending bad product. It's not working. He is getting all the injuries. We'll give you the new racket, no charging anything. Okay. Yeah, so you please have to come to China and take your racket to home. Sorry? You have to come to China, take your racket and go back. For that 40 rupees product you are saying, I have to come China. How should I give you? I am giving you the new racket. We are very reputed company in the racket manufacturing in China. Are you mad? I am not mad. I am giving you. Are you mad? No, I am not mad. I am giving you the racket. No. You tell me. You tell me. We are giving you the new racket. We are here. You are saying that I have to come to China. You have to come to China. How can I give you? मेरे को अपने 150,000 रुपए लगा के आई हैव टू कम टू चाइना, इस इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? आर यू मैड?
Listen, what should we do now? Tell me. Can I give your racket to Modi ji because your Modi ji is here in China? What? I will give him and I'll request him, please pass this racket to Parag. Do you know him? Yeah, he's our guest, he's our brother and he's in China. Do you know him? Yes, he's our PM. Can I give him, can I request to Prime Minister Modi ji? His luggage is already full of his own things, I guess. Then we can't do anything. You have to come back to China. How can I give you? What we okay. should we do? Yeah. Okay. Oh. Nahi. Do one thing. You yeah. give it to Modi ji. Your mosquito racket? You give it to Modi ji. Okay. I'll collect him from the Barakamba Road. You just tell him and tell him politely, okay? He is not a small man. He is very prestigious big man. So first, just request him. Alright, I'll request him. He's here only. Now we are yes. going to meet him, right? Yes, Mink, one more thing. This time, please send the warranty card also. Yes, and okay. We are sending, right? We are going to the meet the Mr. Modi ji, right? Okay. Around how many days it will take? It depends on him, like Modi ji, when he'll come back, right? But you don't force him, okay, to come early. Whenever he is coming, then only send. All right. And check it before you send. Whether it is killing mosquitoes or not. Just want a small request from you. Yeah. I have a Chinese phone with 4 speakers. Two of them are not working. Can you also send that? Two things. Sorry? Two things. You can't send. I think ye bhi Modi ji ko de do. De do. Sahi rahega na yehi. क्या उनको ही दे देता हूँ मोदी जी को शायद आपको दे दें दे दो उनको यार बट प्लीज रिक्वेस्ट हिम यार वो ही रिक्वेस्ट करके ही मैं बात करूंगा नथिंग बेटर देन दैट अब तो मैं तो हिंदी में आ गया तुको भाई मेरे पार्डन मैं तो हिंदी में आ गया हिंदी बोल रहा है सब तू समझ रहा है फिर भी ओ समझ नहीं रहा है नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से ओ मैं लेकिन कितनी मोहब्बत हम सब करता है अपने प्राइम मिनिस्टर से अपना समझ के उनको बोल देंगे कि ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈਲੋ ਸੰਜੀ ਜੀ ਮਧੂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ ਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ ਬੜੀਆ ਬੜੀਆ ਆਪ ਬਤਾਓ ਡਿਸਟਰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਤਾਈਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਜੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਥਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੋ ਦੇਖ ਤੋ ਲਿਆ ਹੈ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਆਪਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ अब मतलब ये है हम मीडिएटर थोड़ी होते हैं मतलब पूरा काम ये कराते कि मतलब शादी होके चुक जाए बंदे की ये प्रियंका वही है ना लक्ष्मी नगर वाली जिसका फोटो देखा आपने हाँ तो जी। आपने मम्मा डैडी को बताया था अपने मम्मी पापा को के पसंद आ गई फोटो में तो हुई थी थोड़ी बहुत बात तो मैंने उनको थोड़ा सा बता दिया था कि हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव है यहाँ लक्ष्मी नगर वाले की तरफ से और हमारी तरफ से भी ठीक है आगे सब आप बात बढ़ा सकते हैं संजय जी मैंने इसलिए आपको फोन किया है कि प्रियंका अभी ऑफिस में है हमारे तो सबसे बढ़िया रहता है कि आदमी मतलब पहले बातचीत कर ले मिलने से पहले हाँ जी बुला लूँ आप बोलो तो फोन पे या ठीक नहीं लग रहा है नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मैं बुला दूँ एक सेकंड आप ना आराम से बात करो प्रियंका हेलो कौन प्रियंका मैं संजय हो नमस्ते अंकल और प्रियंका बताइए कुछ अपने बारे में कुछ अपनी हॉबीज वगैरह अंकल मुझे सबसे ज्यादा तो गाने का शौक है मैं गाती भी हूँ और कुकिंग भी कर लेती हूँ कभी कभी अच्छा कुकिंग का शौक है आपको पार्ट टाइम है ये तो अच्छी बात है प्रियंका जी अंकल तो क्या आपने क्या अंकल आपकी आवाज नहीं आ रही है नहीं मैं ये पूछ रहा था तो प्रियंका आपने क्या सोचा फिर आगे बस अंकल देखो क्या होता है मेरी अभी मधु जी से बात हुई थी जब आपसे बात करने से पहले वैसे मैं प्रियंका संजय बोल रहा हूँ हाँ जी अंकल तो आगे फिर शादी के बारे में क्या सोचा प्रियंका क्या डिसीजन ले रहे हो बस अंकल बस अब तो भगवान पर है जो होगा वो ठीक ही होगा अंकल हेलो अंकल आपको आवाज आ रही है मेरी हाँ बाकी सब ठीक है बेटा जी अंकल बिल्कुल सब ठीक है आऊंगा बेटा मैं आपकी शादी में नमस्ते अंकल नमस्ते बेटा जुग जुग जी अंकल मैं आपकी मधु जी से बात करवाऊँ नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा अभी मैं थोड़ा सा बिजी था कहीं मम्मी पापा को मेरी तरफ से अंकल की तरफ से अपने अंकल की तरफ से नमस्ते कर देना ओके अंकल बाय ओके बेटा हेलो
हेलो, ये काव्या मैडम? हाँ जी काव्या मैडम, मैं मास्टर जी का छोटा भाई सलीम भाई का भाई, जहाँ कपड़े सिलवाते हो आप? हाँ हाँ बताइए बताइए। सूट कैसा लगा? सूट अच्छा है मास्टर जी, मैं आऊंगी लेकर वापस आपके पास। उसकी ना लेंथ थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। लेंथ कम कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त तो मैंने आपको यूं फोन किया, ये एक मैडम आई में कह रही थी कि काव्या जी से बात करनी है, तो मैंने कहा बात कर लो। जरा मैडम से बात करिए। हाँ जी बहन जी, कैसे हो? हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे जी? आप भी जा रहे हो सचिन जी की शादी में? हाँ जी मैं भी जा रही हूँ। तुसी कौन? एक्चुअली मैं मास्टर जी के पास गई थी कपड़े सिलवाने, तो मैंने आपके सूट का एक कपड़ा देखा, मास्टर जी ने ही दिखाया था, तो मैं भी उसी प्रिंट का लेकर आई हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। सेम प्रिंट है, सेम कलर है, आपको कितने का पड़ा है? सेम प्रिंट आई थिंक 740 रुपीस का पड़ा था पर मीटर। मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया, मास्टर जी सही कह रहे थे। मेरी मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी मैं इनसे कह ही रहा था काव्या मैडम जुलाई है, आप जुलाई हो, थोड़ा महंगा पड़ गया, सेम प्रिंट है। पट्टे तूने सेम प्रिंट दिखाया क्या उसको मेरा? पता नहीं मेरी शादी में जा रहे हैं, इतना मैं उसको ढूंढ ढूंढ पता नहीं कहाँ से मैं प्रिंट लेकर आई थी वो। हाँ बहन जी आप कुछ कह रहे हो? बहन जी मैं कह रही हूँ कि मैं तो कह रही हूँ प्रिंट बड़ा अच्छा है पर आपको तो महंगा मिल गया इतना। हाँ थोड़ा सा महंगा हो गया। मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी मैं इनको बोल ही रहा था, मैं ये कह रहा था कि चुप कर मास्टर के बच्चे, अगर इसने सेम सूट पहन लिया ना मैं तेरे कपड़े उतार दूंगी वहाँ पर, सच बता रही मैं। जैसे के बच्चे को दिख नहीं रहा था कि सेम सूट उसको तो दिला रहा है, प्रीमियम कस्टमर हूँ, तुमसे सूट सिलवाती हूँ, थोड़ा सा तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना अपने खास कस्टमर्स का। ऐसे तुम अरे किसी भी चलते फिरते को मेरे कपड़े दिखा दोगे तुम? कैंची ले टुकड़े टुकड़े करना, आग लगा दे उस सूट को, फाड़ दे उसको। बहन जी कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं बहन जी मैं कह रही थी कि महंगा जरूर है पर फटेगा नहीं कपड़ा। हाँ। अच्छी क्वालिटी है बड़ी। मास्टर जी को देना सर। काव्या मैडम मैं इनको यही बता रहा था आपको महंगा पड़ गया कपड़ा, ठीक है? मास्टर मैं तुमको बता रही हूँ अगर ये सेम सूट पहनकर उस शादी में आ गई ना फिर देखो तेरी दुकान को आग लगा दूंगी मैं। एक काम कर इसका ना सूट ही छोटा कर दे। है बहन जी वो इसको कहो ना मेरे सूट की लेंथ जरा कम कर दे। अच्छा अच्छा ये बहन जी एक बात बताओ तुम ये सचिन ना तेरे आज जा रहे हो? हाँ जी हाँ जी वो बी ब्लॉक वाले सचिन की। मेरी जरा मास्टर जी नाल गल करा। एक सेकंड मास्टर जी। हाँ मैं इनसे यही कह रहा था, मैंने ये कह रहा था कि मैंने कहा 540 रुपए जब ज्यादा वो सेम शादी में जा रही है मास्टर के बच्चे अब इसको 15 दिन बाद की देख दे। क्या बहन जी 15 दिन? 15 दिन लग के मैंने कपड़ा ढूंढा था ये पता है आपको, इतना इसका प्रिंट अच्छा था ना मतलब पूछो मत, मेरे दिमाग में था और 15 दिन लगा के मैंने ढूंढा था ये प्रिंट। मास्टर जी से बात कराओ ना एक बार फिर मेरी। हाँ 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 काव्या मैडम मैं इनसे यही बोल रहा था मैंने। अब मेरी सुन, अब तू चुप मेरी सुन। हाँ जी। अब तूने इसको सूट दे दिया ना तो फिर देख लो तेरी वही दुकान पे आके ना आग लगा दूंगी और जितने तेरे कस्टमर है ना सबका बंद करवा दूंगी वहां जाना। वो भी आती है ना तेरे पास, वो जो भी है वो भी आती है, सबको मना करवा दी। तू देखियो इससे पंगा ले रहा जाना तू। है बहन जी अब क्या तू है लगी हुई है, तेरे को भी पूरी दुनिया में मेरा ही सूट मिला था। काम कर तू भी माचिस की तिल्ली ले और जला दे उसको। हेलो कुसुम दीदी, राकेश बोल रहा हूँ। कौन राकेश बोल रहा? पहचानी ना तुम? ना। ये तुम्हारी नंद जो है, नंद? हाँ। इनकी जब तुमसे बात हुई है नंद से तो हाँ। मैं वहाँ को था। अच्छा मैं उस वक्त तुमसे बात ना कर पाया लेकिन मुझे इतनी बुरी बातें लग रही थी नंद की तुम्हारी, और मैं सही बात बता रहा हूँ, कोई मुंह देखी की बात नहीं है, मैंने जितनी बातें मुझे लगी तुम्हारी ठीक लगी। मैं तो सुनो सच बताऊँ, मैं तो एक बच्चे भी मिल ली नहीं ना, तो मिलने की जरूरत क्या इनसे जब ये ऐसे काम कर रहे हैं? तो मैं तो यूं दब गई बस, मैंने यूं सोचा कि मैं क्या कम से बात बढ़ती चली जाएगी। आदमी की जिंदगी में तो वैसी बतेरी परेशानियां लग जाए, थोड़ी मेरी एक परेशानी हो तो बतावे आदमी। अब वो मुझे दबा ली, शुरू से उन्होंने मुझे यूं ही किया दिया, जब कितना बर्दाश्त करती है मैं उस दिन था वहाँ पे, तुम देख ना पाई मुझे। मेरी बात सुनो। हाँ? अरे देखो शरीफों का तो यही जमाना रह गया, वो मुझ पे चिल्लाती रही सारी उम्र, अब जब तक दबाए वही है, जब मेरी औलाद के सामने ऐसी ऐसी बातें करी है उन्होंने, ऐसी ऐसी मेरे घुटनों ने जवाब दे दिए। हाँ? अब मैं डॉक्टर को दिखाऊं, अब इन्हें बताऊं तो ये भैया किलो अरे बाहर को जाके भेज दे यार, प्याज है 12 रुपए किलो। बात कर रहे हैं फोन पे, गली में ठेला लगा रखा, बाहर जाके बेच ले। मैंने जब तुम्हारी नंद से बात करी मैंने कहा प्याज बेच रहा 12 रुपए किलो प्याज ही बेच रहा, मैं तो मैंने नंद से ये कहा, मैंने कहा कि यहाँ से अरे दफा हो जाए यहाँ से, ये प्याज है 12 रुपए किलो। प्याज वाले को जरा हमारी नंद से तुम्हारी ये बात थी, मैंने तो ये कहा कि भैया
अरे चला जा यहाँ से, अबे जूता मार दूंगा, बात कर रहा है। हमारी सास से बात करी मैंने, कहा दीदी परेशान कैसी हैं? प्याज वाले को मैं जब ये बोला कि भैया सुन तो लो मेरी, अरे भैया चला जा यहाँ से, 12 रुपए किलो प्याज मारूंगा, सबका से बात हो रही है हमारी, निकल जा। मैंने जब ये कहा बहू से मैंने ये कहा, मैंने कहा देखो जो नंद की बात हो वो तो अलग ही हो। अरे सुनते ही नहीं हो तुम। हाँ क्या कहो हो? ये 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा है, इसे रोक लो। मैंने उनसे ये कहा कि भैया जब भी है, सुनता ही ना तू। हाँ क्या कहो? ये सर रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा है, इसे चला जा यहाँ से, कहीं और जाके बेच। नहीं ठग गया, प्याज है 12 रुपए किलो, प्याज है 12 रुपए किलो, दीदी से बात कर रहा हूँ, चिल्लाए जा कान पे। सही दीदी, मैंने बात मुझसे लड़ाई की, ये सर रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा, इसे रोक। दीदी अरे इसे तो रोक ले। दीदी रोक तो लूंगा, क्या क्या करो हो फिर? लूंगी प्याज, आग लग रही है प्याज के दाम में। तू यही बात करे जान, अन्य खून चूस लिया ये वाली बात। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर प्रभाकर बहुत परेशान। हेलो डॉक्टर प्रभाकर, हेलो बोलिए, बोल रहा हूँ। क्या नंबर है डॉक्टर प्रभाकर का? डॉक्टर प्रभाकर मैं बहुत परेशान हूँ। हेलो डॉक्टर। हाँ डॉक्टर प्रभाकर सुन रहे हो आप मेरे को? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही। डॉक्टर प्रभाकर मैं नींद की गोली खा लूंगा। डॉक्टर प्रभाकर मैं बहुत परेशान हूँ। वैभव नाथ चतुर्वेदी टोड़ा उपाध्याय बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही, बिल्कुल नींद नहीं आती। हेलो, नींद कब से नहीं आ रही है और आपने मुझे लास्ट कब दिखाया था? वही नींद मैं आपको बताऊँ, मैंने तो आपको आज तक दिखाया ही नहीं। हेलो मुझे तो ये मेरे भाई ने ही बताया कि डॉक्टर प्रभाकर से बात काहे को नहीं करता। मैंने कहा यार करूं। हेलो, लोग मुझसे कहने भी लगे कि अजीब तरीके से बोलने लगा, अजीब तरीके से चिल्लाने लगा, आपको भी लग रहा होगा कि चिल्ला रहा हूं मैं। हेलो हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ हेलो डॉक्टर साहब, हर आदमी ये कह रहा है नींद नहीं आने की वजह, मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। कम टू माय क्लिनिक। मैं तो एक दिन कम हो ही जाऊंगा आपके पास, लेकिन एक बात बताओ इसका क्या करूँ? हेलो, नींद की गोलियां खा लूंगा डॉक्टर साहब। हेलो, देखिए टीवी आपको नहीं देखना है तकरीबन आधे घंटे पहले तक, और उसके बाद में लाइट्स बिल्कुल डिम रखिए, लाइट्स डिम, आवाज वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो उसके साथ बहुत ही लाइट म्यूजिक और उस पर थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिए, आप उसे सुनते सुनते सो जाएंगे। ये जो आप कह रहे हो लाइट डिम कर लो अगर नींद नहीं आ रही और लाइट म्यूजिक सुन लो, अब ऑफिस में सब लोग हमारे तो खुद बॉस ये कहेंगे आके, अबे यहाँ ऑफिस में लाइट गाने सुन रहा है, फिर ये कहेंगे वो कहेंगे उनके बॉस हमारे छात्र साहब, लोग कहेंगे अबे लाइट म्यूजिक ऑफिस में चला रखा तो घर कहेंगे पागल तो नहीं होगा, तो दिमाग तो खराब नहीं होगा, निकाल देंगे नौकरी से। कल कल की बात नहीं, हमारे तो सारे ऑफिस वाले इतने कट रहे हैं, इतने कट रहे हैं, ये 2 मिनट में फेंक देंगे। हेलो, रणदीप बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन बोल रही हैं मैडम? रणदीप मैं विदुषी बोल रही हूँ, मैं सोनाक्षी की फ्रेंड हूँ। आई सोनाक्षी से आपने कोई बात की थी? अच्छा सोनाक्षी की फ्रेंड बोल रही हैं आप, कैसे हैं मैडम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ रणदीप, आप कैसे हैं? बस जी ठीक तो हो नहीं, लेकिन बस सोनाक्षी को करके ठीक हो जाता हूँ। आप कितनी बार मिले सोनाक्षी से? बस मिला तो मैं उससे एक ही बार था, लेकिन फोन पे बात हो जाती थी। रणदीप आप वैसे सोनाक्षी से बात करना चाहेंगे अभी? मतलब तो बहुत चाहता हूँ, अगर बात हो जाए सोनाक्षी से तो बस मैं शायद पागल ही हो जाऊंगा। रणदीप मैं आपकी बिल्कुल बात सोनाक्षी से करवाती, इनफैक्ट आप होल्ड ही कर लो क्योंकि अभी वो बाथरूम में है, वो थोड़ी देर। बाथरूम में है वो भी? जी 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 यहीं पे है, वो आप ही से मैं उनकी बात करा दूंगी। मैडम आपका ना मैं बस ऐसा, वो कहते हैं कि मैं आपका एहसान नहीं भूल पाऊंगा अगर मेरी सोनाक्षी से बात हो जाए मैडम। ओह माय गॉड, मुझे एक्चुअली इन सब बातों का एहसास है ही नहीं। मैंने भी बातें सुनी थी कि लैला मजनू, श्री फराज, सोनी महिवाल, लेकिन अब जब से मैं सोनाक्षी को चाहने लगा हूँ, एक बार मिला था उससे, बस तब से मैं भी शायद लैला मजनू से भी बढ़ के कुछ मतलब बता नहीं सकता, बयान नहीं कर पा। एक्चुअली रणदीप मैंने भी ये कहानियां सिर्फ सुनी हैं, एंड यू नो ये लोग कहते हैं इश्क वाला लव होता है एंड थिंग्स, आई हैव नेवर रियली एक्सपीरियंस्ड इट। चेहरे से देख के लोगों को प्यार हो जाता है, इफ दैट्स द केस तब तो मेरे को बहुत ज्यादा शौक लग रहा है, बिकॉज माई चेहरा इज प्रीटी नाइस। एंड ऑनेस्टली बताओ रणदीप, आप इतने ऑनेस्ट होकर मेरे को बता रहे हो, सो आई टेल यू कि ये खाली पन काटने को दौड़ता है, पता है? आई मीन आई नीड समबडी। रणदीप आई थिंक सोनाक्षी को थोड़ी और देर लगेगी, सो मैं रखती हूँ, फिर हम कभी और बात करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। आई लव यू। हेलो 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 हेलो
हेलो मैडम, हेलो विदुषी जी, हेलो हेलो, मैंने सुन लिया, थोड़ा जोर से बोला ना, मुझे सुन गया आपने? आई लव यू बोला जी, थोड़ा जोर से बोला ना, मुझे सुन गया है? हेलो हेलो हेलो, अरे कहाँ चल दी आप दिल में आग लगा के, इतनी धीरे से आई लव यू बोल के जोर से बोलो, मैं किसी डरने में एक्सेप्ट कर लूंगा और तुमसे प्यार करने लगूं, मुझे तो सच में ऐसा लगा कि मैं तुमसे ही प्यार करने लगूं, सच्चा प्यार मुझे शायद तुमसे हो गया है। हेलो हेलो विदुषी जी, हेलो थोड़ा जोर से बोलो, मैं सुन रहा हूँ। देखो मुझे लग रहा है कि आप फोन पर ही हो, कहीं ना कहीं मेरी आवाज सुन रही है। हेलो प्लीज जोर से बोलो ना, हेलो प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने सुना कि आपने भी धीरे से मुझे आई लव यू बोला है, मुझे सुन गया। हेलो प्लीज, हेलो बोलो भी यार, मैं आपके फोन का वेट कर रहा हूँ, क्या बोलोगी? जरूर बोलोगी, थोड़ा जोर से बोलो। हेलो हेलो, हाय विकी। हाय, कहाँ हूँ, कहाँ से फोन कर रही हो? घर पे ही हूँ, अभी मम्मी के साथ बैठी हूँ, लैंडलाइन है ये। अच्छा अच्छा, मैंने कहा था ना मम्मा ने तुमसे बात करनी है, तो प्लीज तुम बात कर लो। अभी अभी रहने दे यार, अभी नहीं, प्लीज यार बात कर ले एक बार। अभी नहीं यार, अभी समझा करो, अभी नहीं बात कर सकता मैं। मम्मी आ गए, मम्मी पागल है क्या? विक्की से प्लीज बात कर लीजिए आप। हेलो, नमस्ते आंटी। नमस्ते, और बेटे ठीक हो? हाँ जी आंटी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और वो आंटी, वो मना कर रहा था मैं रिया को, वो तब भी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अभी रिया से बात ही हो रही थी मेरी, मैं भी कह रही थी रिया से, मैंने कहा बात करा भाई। हाँ जी हाँ जी, क्या चल रहा है? वो ये तुम्हारे जैसे, अभी एक सेकंड, एक सेकंड, इसके पापा हैं घर पे, एक सेकंड। रिया पापा गए? हेलो, आओ। क्या हुआ? वो दुख गया मेरे, ये टैटू बनवाया मैंने अपनी जांघों पे। क्या बनवाया? टैटू, किसी को बोलना मत, ठीक है? ठीक है। एक्चुअली मैंने टैटू बनवाया रजत के नाम का। रिया के पापा ना? नहीं, नहीं, रिया के पापा नहीं, रजत मेरा बॉयफ्रेंड, पूरी जांघों पे बना हुआ है ना, तो ये मोटी सुई से बनाया है। वो रजत की जब बनवा रही थी, रजत की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, साले ने मिटा के फिर बनाया, मेरी दुख गई पूरी, सियाही मोटी रखी है, इतनी मैं छुपा रही हूँ। अच्छा अंकल जी, किस टाइम आते हैं? अंकल जी रात में देर से आते हैं, आज घर पे हैं इत्तेफाक से ना। अच्छा, और बताओ अपने बारे में कुछ। मैंने वैभव कॉलिंग मी इस टाइम, आप होल्ड करना। हाँ जी, हेलो वैभव, हाँ आई लव यू टू, बाद में बात करूँ, अभी उससे बात कर रही हूँ, रिया के बॉयफ्रेंड से। नॉटी यू, मेरे पोकेमोन, गो बाय। वैभव था, एक सेकंड, पापा रहे इसके। हाँ बेटा, मैं कह रही थी देखो, संस्कारी हमारे पूरी फैमिली है, रिया को मैंने इतनी नाजुक से पाला है, तो हम तो बस ये शरीफ लोग हों, है ना। हेलो, हाँ शरीफ बोना बड़ा गई। कल मालूम है वैभव मैंने क्या रात में कहाँ गए थे? कहाँ? मैं, मुझसे वैभव कह रहा, सुनो पापा गए इसके पास। हेलो बेटे, तो हमारे घर तो ये है बेटे, बिना परमिशन तो रिया कहीं निकलती भी नहीं है, है ना, और ये भी होना चाहिए। क्या आंटी, बस मैं तो क्या कहूँ, अब मेरे लिए तो बस यही है कि अब चला हुआ है, मैं और रिया साथ ही रहेंगे हमेशा, अब आप देख लीजिए आपको मैं कैसा लगता हूँ। एक सेकेंड एक सेकेंड, आर यू ऑन टेंडर? मैं ये पापा के, पापा के, बेटे मंदिर जाते हो आप? जाते हो? ऐसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये इसने कहा था कि मुर्गा बनाओ, नवेद बोल रहा हूँ मैं। भाई ऐसे खुश रहो और इनकी माँ से भी मिल लेना। ठीक है, यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ ना प्लीज। Hello. Could I speak to Mr. Paras, please? Speaking. Good evening, sir. Good evening. Sir, I know ये थोड़ा गलत है ऐसे ऐसे फोन करना। सर, I'm a voice over artist। काफी मैंने voice अभी discovery के लिए अभी काफी चीजों को लिया किया सर। Okay. आप एक काम कीजिए, I'll just pass on the phone to the reception और आप अपना जो voice sample से drop कर दीजिए, mail कर दीजिए। सर, voice sample मैंने तीन बार drop करा था सर, आपके reception पे बात करी थी मैंने, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लिया है। वो तो ठीक है, मतलब वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इफ यू सेंड इट टू देम, ऑब्वियसली कोई अभी तक शायद आपका वॉइस सूटेबल नहीं रहा। नहीं सर, मैं सुना ही नहीं है, आई एम डैम श्योर सर, आई एम सो सॉरी, ट्रस्ट मी सर। सर आप एक बार फोन पे अगर मेरी आवाज सुन ले, मैं 17 तरह की आवाज निकालता हूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर वर्किंग फॉर राइट सर? हाँ हम लोग राइट सर।
सर आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, 17 की भी निकालते हो सर, अगर 2-4 भी सैंपल सुन ले सर, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं समझ रहा हूँ, आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, तो आप मेल कर लीजिए सर. मेल आई हैव मेल 3 times फ्रॉम तानिया सर, तानिया नेवर नेवर गेट बैक टू यू कभी भी. हेलो हेलो, आप ऐसे मत बात कीजिए. आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, आई एम ए स्ट्रगलर, आई नो आई एम ए स्ट्रगलर. And in Mumbai, sir, you know one thing. I am telling you, 2 महीने तक आप मेरे को पैसे मत देना, आप काम कराओ. इससे बड़ी बात बोल, आप मेरी बात समझिए, आपका सैंपल सेलेक्ट हो जाता तो हम लोग किसी के पैसे लेके क्या करेंगे? फ्री नहीं, मैं आपको जो कॉन्फिडेंस है सर, कॉन्फिडेंस है. आप 3 सैंपल सुन लो मेरे. क्या सैंपल्स है आपके, जल्दी से बताइए. मैं आपको बता दूं, सीरियसली कह रहा हूं, आपको मेल. नो नो सर, आई हैव मेल, सर सैंपल मैं आपको बता दूं सर. थैंक यू सो मच फॉर दिस चांस. सर सर ऑन द फोन ही ओनली मैं आपको बता रहा हूं सर. अभी मैं आवाज निकालूंगा अंधेरे की सर, आप देखना डिक्टोर निकलती है नहीं. डार्क अंधेरा था सर. सर सेकंड देखिए, ताजा घर में पेंट हुआ, उसकी आवाज देखिए यहां से. नहीं छोटे से निकालता हूँ, गलत हो गई थी, एक सेकंड. सर लड़की ने हाथ में मेहंदी लगवाई है, दूसरा दिन है, देखिए. ये मेरा बेस्ट है सर, इसमें मेरे को कई बार मेरे को अवार्ड भी मिले हैं. एक सेकंड सर, इस पे मैंने, आप जो मैं बता रहा हूँ इसमें मैंने बहुत काम किया है. अभी अभी ताजे ताजे बाल कटवाए, किसी ने टांट चपक रही है उसकी, उसके बाद देखिए. ये थोड़ी मुश्किल से निकलती है सर. सर मैं ये नहीं बोल रहा, आप जो मैं निकाल रहा हूँ कि मेरी 100% एक्यूरेट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैच करेगी. सर किसी महिला ने ऊपर छत पे अभी अभी कपड़े सुखाए धूप में, तो ये देखिए. नाउ सर आई एम कमिंग टू माय सिग्नेचर वॉइस. ये सर ये मेरा बेस्ट है, इसके चक्कर मेरे को न्यूयॉर्क में ही बुलाया था. एक आदमी की ताजी शेप खींची और फिर आपने शेप लगा रखा, देखिए. व्हाट डू यू से सर? नॉट बैड. क्या नाम बताया आपने अपना? नाम तो बताया नहीं सर मैंने अभी अपना. एक और वॉइस आप ट्राई कर सकते हैं. बोलिए सर. एक आवाज निकालना आपकी, किसी ने ताजी ताजी आपकी मारी है. मैं ट्राई कर सकता हूँ सर. नहीं ये फेस टू फेस करेंगे, कभी आ जाइए मेरे ऑफिस में. हेलो. हेलो नमस्कार सर. नमस्कार. हाँ जी सर, ये केजरीवाल साहब इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, लोगों का साथ दे रहे हैं, इन्होंने पानी की समस्या सॉल्व करी है, बिजली की. मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अच्छा करा है कि गरीबों को 700 लीटर मुफ्त में पानी दे रहे हैं सर. मैं कहूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं सर. सर मगर हमारी भी तो सुनिए, हम भी तो मिडिल क्लास में है सर. देखिए अभी केजरीवाल साहब ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि हम 700 लीटर हमने गरीबों को देना शुरू कर दिया. हाँ जी सर. आपके घर मम्मम आ रहा नहीं आ रहा, ये बताइए. आ रहा है. अभी मम्मम की सप्लाई कम है, तो हमने खुद केजरीवाल साहब से बात करी. मैंने कहा देखिए पहले आप टोटल कर लिए, टोटल मम्मम है कितना हमारे पास. हमने टोटल जो किया तो मम्मम अभी कम है, मम्मम यूज करने वाले ज्यादा है. सर हमें भी तो चाहिए सर. अभी आपके घर में कितना मम्मम यूज हो रहा है अंदाजन बताइए. सर अंदाजा का नहाते हैं धोते हैं उसके बाद चले जाते हैं. केजरीवाल साहब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं. एक तो ये मम्मम फ्री कर रहे हैं. सर सही कहा सर, है ना, मम्मम फ्री कर रहे हैं. दूसरा ये बिजली के पैसे कम कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि आदमी सर्दियों में मम्मम गर्म कर ले. लेकिन इनको ये पता नहीं हम दिल्ली वाले, हम ना आएंगे ही नहीं. मम्मम जो है, अब आप ये बताइए कैसे इनको हम बताएंगे नहाने को, है नहीं मम्मम, कहाँ से लाए मम्मम. सर एक बार बताइए, हमें भी तो जरूरत है पानी की. नहीं तो यार आप फिर भड़क रहे हो, आपको पता है नहीं दिल्ली में मम्मम की शॉर्टेज है, मेरे पास खुद मम्मम नहीं है. फिर कह रहे फ्री में मम्मम दे दो, मम्मम जितना मिल रहा है उसको ले लो. यार कह रहा हूँ मम्मम की शॉर्टेज है, मम्मम की हो जाएगा सारे काम. यार बकवास कर रहे हैं सर. आई एम सॉरी सर. तो फिर भी ये सॉरी क्यों है, पहले से मैंने आपको बताया मम्मम की शॉर्टेज है. नहीं तो मैं जब आपको समझा रहा हूँ कि अभी मम्मम की शॉर्टेज है, हम दे देंगे मम्मम. सर इफ यू डोंट माइंड सर, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ. बोलिए. मैं तो कह रहा हूँ, मैं बोले के लिए फोन किया. सर आप जो कह रहे हैं अभी है नहीं. हाँ? इतना पढ़ाया जमुना में. क्या पढ़ाया जमुना में सर? मम्मम सर. सर हेलो. हाय. हाय अनुषा, आई एम सॉरी. सॉरी हू इज दिस?
Anusha, I know what happened last night. It was not good. Like, just because of us, आपकी और कार्तिक की लड़ाई हुई क्लब में एंड मैं कार्तिक का फ्रेंड हूँ एंड आई टोल्ड हिम दैट यार तू अकेला चला जा एक सेकंड लिसन हेलो यस हूसोएवर यू आर आई रियली डोंट केयर पर कार्तिक को खुद भी और आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर मैं उससे इतने टाइम बाद मिली तो आपको उसके साथ नहीं आना चाहिए आई ट्रस्ट मी हमने उसको बोला था यू नो मैंने या तो आपको खुद समझ नहीं आता है जब वहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ तो आपने देख लिया चलो ठीक है आप आ गए कार्तिक बोलने लगा नहीं यार वो तुम अलग बैठ जाना थोड़ी देर के बाद वहाँ अंधेरा इतना था यू नो मैं एक सेकेंड आप मेरी बात सुनिए उसको चलो ठीक है उसको समझ नहीं आया आप में इतनी समझ नहीं कि आप खुद साइड हट जाते बैठे रहे वहीं पे नहीं युवक क्राइंग आप रो भी रहे थे हाँ तो मैं जब रो रही थी तो तब साइड हट जाते तब भी वहीं पे बैठे रहे नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगा ना मेरे को अच्छा नहीं लगा वो आपके आंसू भी अच्छा पोंछ रहा था लगा, नहीं, तो फिर हटिए नहीं वो आपके आंसू पोंछ रहा था कार्तिक यू नो प्रॉब्लम है वो मेरे नहीं प्रॉब्लम नहीं है मैंने देखा रुमाल से आंसू पोंछ रहा है वो आपके नहीं तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम है जब वो पोंछ रहे आंसू तब हट जाते मैं लड़ी फूल बैठे रहे वहीं पे आई एम नॉट सेइंग यार मैंने उसको मना किया था मना किया था मेरे को ठीक नहीं लग रहा था वो आपका वो रुमाल से आंसू पोंछ रहा था ठीक नहीं लग रहा था उसने क्योंकि यार अनुषा उसने मेरा रुमाल लिया था उसके बाद नहीं था उस टाइम पे मेरा रुमाल लिया अनुषा मैं उसको मना कर रहा था मेरा रुमाल मत ले आपके आंसू पोंछ रहा है पूरे चेहरे पे आंसू है और मैं उससे मना कर रहा था मुझे बहुत तेज जुकाम हो रखा है इतना तेज जुकाम है मेरे को दो दिन से मैंने उसको बोला भी मैंने इशारा भी किया रुमाल को दबा के तो देख ले कम से कम अंदाजा ही हो जाता मैं आपको सही बताऊं रुमाल मैंने ही कैसे रखा हुआ था मेरे को पता मेरी जेब भारी हो रही थी लेकिन मोहब्बत मैं भी समझ सकता हूं भाई मोहब्बत है लड़की के आंसू नहीं देखे जाते गर्लफ्रेंड के उसने सारा खोल के भी पोंछे थे क्या उसको पता था कि आपको जुकाम है उसको मेरे को नहीं मालूम मैंने तो छींके मारी है 5-6 मैं जब आप क्लब में अंदर आए मैं छींक ही रहा था बार बार आर यू देयर फोन रख बहन मेरी बात तो सुनो मैं फोन रख बहन ट्राई टू अंडरस्टैंड ना मैं फोन रख बहन फोन रख मैं नहीं रख रहा तो मैं रख रही हूँ नमस्कार नवेद और आज दो की जरूरत पड़ेगी तो मेरे साथ मेरी कलीग मेरी दोस्त रीति हैं इंसान कितना बदल जाता है ना एक लड़के से बात करने में और एक लड़की से बात करने में ये मुर्गा बनाएंगे और आपको सुनाएंगे फोन मिलाओ रीति हेलो हेलो जी क्या आप ऑफिस में हैं अभी हाँ जी कौन बोल रहे हैं आपकी गाड़ी -2 में खड़ी है उसका नंबर DL3 बिल्कुल जी बिल्कुल एक्चुअली आई डोंट नो मैं कैसे आपको ये बताऊं पर हाँ आपने फोन किया तो बस बोल दो ना सोच क्यों रहे बोल दो अरे वो आई एम नॉट एबल टू गेट इट कैसे मैं बोलूं ये बात मतलब थोड़ा हाथ रखो और बोल दो वो ना अच्छा चलो आप इतना बोल रहे हो तो मैं बता ही देती हूँ वो मैं ना आपकी गाड़ी -2 में थोड़ी हल्की सी ठुक गई है थोड़े स्क्रैचेस आए और एक हल्का सा हेडलाइट टूटा है हेलो हाँ हाँ जी कोई बात नहीं चलो अब कोई बात नहीं अब हो गया जो हो गया अब क्या कर सकते हैं उसमें तो आप बिल्कुल भी माइंड नहीं करोगे ना नहीं 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 क्या माइंड क्या करना कोई बात नहीं इसी बहाने आपने फोन कर लिया कोई बात नहीं बट मैं पक्का मेकअप करने की कोशिश करूंगी मैं उसकी भरपाई पूरी तरीके से जितना कर पाऊं कर लूंगी अरे नहीं 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 जी कोई बात नहीं गाड़ी तो ठुकती रहती है इधर उधर कोई बात नहीं हो जाएगी ठीक कोई बात नहीं आप इतनी टेंशन मत लीजिए एंड वन मोर थिंग एक और चीज वो ना जो आपका बम्पर था ना वो थोड़ा गिर गया है लाइक थोड़ा टंगा हुआ है अरे कोई बात नहीं चलो वही तो मैं कह रहा हूँ हो गया पर आप सेम हम सेम ही बिल्डिंग में हैं क्या आप इसी बिल्डिंग में यू वर्क इन द सेम बिल्डिंग हाँ जी वी वर्क इन द सेम बिल्डिंग तभी मैं आपकी पार्किंग में थी आपने पक्का बिल्कुल भी माइंड नहीं किया ना अरे नहीं नहीं आप क्यों टेंशन ले रही है नहीं नहीं बिल्कुल माइंड नहीं किया कोई टेंशन नहीं सुनो देखो बात कर लो एक्चुअली ना मेरे बॉयफ्रेंड साथ में उनसे ठुकी थी आप उनसे बात कर लीजिए इधर दो ना मैं भाई ये क्या हुआ है मैं जब बैक कर रहा था ना गाड़ी मैंने जब बैक करी है पीछे आपकी गाड़ी एक तो गलत पार्क कर रखी है आपने कभी लगती नहीं मेरे से वो पीछे कब मैं बैक बैठ रहा ठा करके लगी है तो पीछे ना का बम्पर टूट गया और ये लाइट वाइट चढ़ गई है जो बता रही है ना ये अभी
तो मैं बैक कर रहा था पीछे पीछे, ये बता भी देती आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरा ध्यान नहीं गया, मैंने कहा ढक करके लगी ना, पीछे देखा बम्पर निकल गया आपका और हेडलाइट निकल गई है। तू चला रहा था क्या गाड़ी? मैं चला रहा था, ये तो मेरे साथ बैठी थी ना, चला तो मैं रहा था। अरे गाड़ी चलानी नहीं आती है, क्यों चलाते हो गाड़ी तुम लोग? गाड़ी तुम रिवर्स कर नहीं रहे हो, सीधी चला नहीं रहे हो, पीछे गाड़ियां ठोक रहे हो, पार्किंग में जाके गाड़ी ठोकी। तू मुझे कह रहा गलत ठोकी है मैंने, गलत पार्क करी है? गलत पार्क कर रखी है ना, आप समझ नहीं लेना, मैं जब पीछे बैक कर रहा हूँ गाड़ी आपकी जैसी। अरे तू बैक कर, आगे कर, मैं रहता कहां है? मैं तेको घर से उठवाऊंगा, अपने यहां निकलवा लूंगा पैसे, मेरे को तो पता रहता कहां पे है तू। नहीं मैं पता क्या कर रहा, मैं गाड़ी बैक कर रहा था, आपकी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, ठीक है? उसके बाद मैं माइनस टू में हूँ, मैं अरे मैं वही आ रहा हूँ, तू वही पे रही हो, हिली मत वहां से, अपने आप देख लूंगा ना जो करना है उसका। भाग लो माइनस टू से, ये देखा आपने फर्क, ऐसे फर्क करते हमारे साथ। हेलो राघव, या हू इज दिस? राघव आई टेल यू लेटर, एक्चुअली ना अभी डैड से बात कर लो एंड देन आई विल कॉल यू इन द नाइट, ओके? कौन बोल रहा है? राघव कम ऑन यार, डैड से बात कर लो ना एंड देन आई विल कॉल यू इन द नाइट, ओके? हेलो हेलो, आप मुझे कैसे हो राघव जी? बहुत बढ़िया अंकल जी, आप बताइए कैसे हैं? फर्स्ट क्लास मेरे, फर्स्ट क्लास। अच्छा ये और टाइमिंग से फोन करना ठीक नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन अब इसकी जिद थी, आज हेल्प भी करिए मेरे साथ बेटे, फिर भी पूछना ठीक बनता है, कितना कमा लेते हो आप? अंकल ज्यादा बड़े बोल तो बोलता नहीं हूँ, 4-5 लाख रुपए अकाउंट में आ ही जाते हैं महीने के। ये बढ़िया है, गाड़ियों की नहीं है? नहीं, कभी कभी ड्राइवर याद दिलाता है कितनी गाड़ियाँ, याद ही नहीं रहता। ये सही है। अच्छा बेटा मैंने सुना जमीन भी है, जहाँ तक नजर डालो वहाँ तक तो जमीन अपनी है, लेकिन पापा कहते हैं कि अभी कुछ जमीन बेच दी हमने, अभी मरे से मरे 15 किल्ले बची होगी। कल इसी पे बात करनी थी मुझे आपसे कुछ। हाँ बोलिए। बात ये करनी थी मुझे, जरा लेवल का पता करना था कि हमारा तो लेवल थोड़ा छोटा ही है, आपका क्या लेवल है? मेरा लेवल बेटा किस लिए? अंकल जी पापा को थोड़ा बताना पड़ेगा ना इसलिए। क्या बताना पड़ेगा बेटे? तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या लेवल है थोड़ा, क्या है ये थोड़ा बता देते तो बढ़िया रहता, तब फिर आगे शादी की भी बात कर लेते। किसकी शादी बेटे? हमारी अंकल जी। हाँ जी आपकी लड़की की अंकल जी, वो शादी के बारे में बात कर रहे थे ना। वो मैं शादी के बारे में? पागल हो गया यार दिमाग खराब है। आई एम द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स, मैं तो आज ऑफिस गया नहीं, तो मेरे को जो काम मिला था मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही थी, क्या यहीं से आप पूछो भाई, जो रेट वेट मारनी है यहीं से मारो, फोन पे फॉर्म 16 जो पता करना करो, दैट्स वाई वी कॉल यू आप। ये तो मेरी बेटी हमेशा अक्सर ये होता है, हफ्ते में एक बार बैठ जाती है और मेरे नंबर डायल करने में मदद कर देती है। अब मेरे को बताओ, पूरा फॉर्म में भर देता हूँ ताकि मैं कल ऑफिस में जमा भी कर दूँ। इनकम कितनी बताई आपने महीने की? सर वो इनकम का तो सर पता नहीं है इतना, वो बस 7-8 हजार रुपए वेल्डिंग में मिल जाते हैं सर, और वैसे भी वेल्डिंग का काम बंद ही पड़ा है सर, आप जानते हैं आजकल कोई घर आता नहीं है। ये क्या बदतमीजी, अभी क्या बोल रहे हैं, अभी क्या बोल? गाड़ियाँ कितनी बताई थी सर? गाड़ी तो नहीं है, मेट्रो से थोड़ा आना जाना है बस। सर एक मिनट बात करना। बोलिए बोलिए बोलिए, टाइम तो है नहीं, बोलो सर। वो ऐसा है आपकी लड़की से थोड़ी वो बात हो गई थी तो पता नहीं चला, 2 दिन से वैसे भी। हाँ बोलो रे। सर मैं आपको सही बताऊं कि मैं उनकी बात से कंफ्यूज हो गया था, इसलिए पता नहीं चला कि क्या बोल गया सर। अरे रो मत मेरे भाई। हेलो मैडम, गुड इवनिंग, बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ। कौन? बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ। डार्लिंग कौन डार्लिंग? के क्रेडिट कार्ड का कोई चक्कर था आपका, 35,000 का जो पेमेंट था आपने रिक्वेस्ट किया था, इसको वेव ऑफ कर दो, मैं इसलिए फोन कराया मैंने कि इसको वेव ऑफ करा दे। प्लीज करवा दीजिए। मैं जान सकता हूँ कितना आपको देना था, कितने का लेटर आया था आपके पास? 35 का ही आया था, तो आप प्लीज वेव आउट करवा दीजिए, आई एम रेडी टू जस्ट विथड्रॉ। मैडम मैं आपको होल्ड पे डालूंगा, मैं मैनेजर से अभी बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, कोड लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए। 21938। 21938। मैं मैनेजर से बात कर रहा हूँ, कोई भी आपसे पूछे कि किसने आपका वेव ऑफ कराया तो आप सीधा कहेंगे डार्लिंग से मेरी बात हुई थी। ठीक है? ठीक है। मैं अभी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो वेरी गुड इवनिंग, बैंक जानू बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? जानू। डार्लिंग से बात हुई थी मेरी अभी, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम अगर हो सके तो 20-25,000, नहीं तो 20,000 आप वेव ऑफ करवा दीजिए। वैसे आपका एक्चुअल अमाउंट 35,000 राइट? ओके ओके मैडम, मैं देखिए 10,000 तक तो यहाँ वेव ऑफ कर दूंगा आपके, लेकिन 20,000 के लिए मुझे आगे फॉरवर्ड करना होगा कॉल, तो प्लीज आप मेरे बॉस से बात कर लीजिएगा। आपसे जो भी कोई पूछे आपके, ये मेरी जानू से बात हुई थी, वो कह रहे थे राइट। एक सेकंड होल्ड करिए।
गुड इवनिंग, बैंक से जानीमन बात कर रहा हूँ, किस तरह मैं बात कर सकता हूँ? कौन बात कर रहा है? जानीमन, एक्चुअली जानू से बात हुई थी और उनको मैंने बोला था कि वेव ऑफ करवा देंगे 20,000 रुपीज। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जानू के पास आपके पास डायरेक्टली कॉल कैसे आ गई यार? मैं पूछ नहीं नहीं, नहीं उससे पहले डार्लिंग की कॉल आई थी तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने जानू से बात करवाई। अब आप जानीमन से बात कर रही हैं? मैं काम करूं आगे दिलवर के पास ट्रांसफर कर दूं आपकी कॉल दिलवर के पास, उसे भी जरा नंदनी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहे हैं हम। और हेलो, हाय वैशाली, राइट? कौन बोल रहे? वैशाली कौन है? बात कर सकते? बोल, कौन रहा है? तेरे ड्रामे मुझे सब समझ में आ रहे हैं। मेरा बॉयफ्रेंड ट्रेनर है, हड्डियां तोड़ देगा तेरी अगर मैंने उसको बता दिया तेरा नंबर। फोन रखा। यू हैव अ बॉयफ्रेंड? सुनाई नहीं है कि बारे में? सॉरी बट आप रावत जी की लड़की हो ना? क्यों? रावत जी आपके पापा है, रावत जी जिनके सफेद से बाल हैं आगे से। उन्हें भी पता चलेगा ना तो तेरी हड्डियां तोड़ देंगे वो। मैं बता देता हूँ, रावत जी यही हमारे घर आए, उनसे बात भी बहुत देर से हो रही थी कि आपने क्या क्या किया है, उन्होंने तो नहीं बताया कि आपका बॉयफ्रेंड है और ट्रेनर है मैं। रावत अंकल, ओए हेलो, ओए ओए बात सुन, हेलो पापा से बात मत कर। रावत अंकल, ओए मेरी बात सुन, चाय पी रहे हैं, बात सुन मेरी, पापा को कुछ नहीं बताना। हेलो, सफेद बाल वाले, सफेद बाल वाले। हेलो, ओए मेरी बात सुन तो सही पहले। हेलो, पहले बात सुन मेरी, पापा को नहीं बताना, मेरा बॉयफ्रेंड है, तेरे को समझ नहीं आ रही कुत्ते? हेलो, हाँ हेलो, हाँ देख मैंने तेरे को कैसे बताया ना, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तूने तो बताया ये, लेकिन अंकल ने क्यों नहीं बताया अभी? रावत अंकल, अरे तो तू है कौन? रावत अंकल मेरी अभी ले सुनाई नहीं उन्होंने, और बोल फोन क्यों किया था मुझे? मैंने तो सिर्फ हेलो बोला था और बात करनी, तो मैंने तेरे को बता दिया ना मेरा बॉयफ्रेंड है, तो इन्होंने तो नहीं बताया ना रावत अंकल ने आपके पास, तो वो क्यों बताएंगे तुझे? मैंने बताया ना तुझे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ तो ऐसी वैभव की गर्लफ्रेंड को नहीं पता था है ना, बता दिया ना तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को दिया कि उसकी उसकी ड्रेस जो थी वो सस्ती ड्रेस खरीदी थी सस्ती मार्केट से और उसकी लगी पड़ी है ना, कैसा लगता है? अब मैं बता दूं आपको रावत अंकल को क्यों बताया वैभव की गर्लफ्रेंड को? बोल कौन रहा है तू? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। ये कितनी गलत बात है यार, किसी की चुगली हो रही है ना, अब खुद की जान हेलो, इज दैट साइकेट्रिस्ट विनोद शर्मा? Yes, speaking. Hi. Psychiatrist Vinod Sharma, right? Yeah, speaking. Devashish, this side. Devashish. Okay, hi Devashish. Doctor, I'm sorry, I'm calling you इस तरह without an appointment. Psychiatrist Vinod Sharma, मेरे को आपसे बहुत जरूरी काम है. I'm into a problem, you know. बोलिए आपको क्या परेशानी है, क्या है? Yeah, psychiatrist Vinod Sharma, right? Yes, I'm Vinod Sharma speaking. I'm so sorry. मैंने क्लिनिक पे भी आ सकता था लेकिन मैंने सोचा फोन पे ही मैं आपसे बात कर लूँ, क्या पता आप मेरी हेल्प यहीं पे कर दो फोन पे। बताइए आपको कैसी हेल्प चाहिए, हम या तो if you want we can talk it out or if you want you can come down. मुझे किसी अच्छे psychiatrist का नंबर दे देंगे आप? कोई ऐसा हो अच्छा साइकेट्रिस्ट हो, उसका अगर आप मेरे को नंबर दे दो तो मैं उससे बात कर लूँ, उसको दिखा दूँ। कोई अच्छा साइकेट्रिस्ट? आप मेरा नंबर ले लीजिए। लेकिन आपका नंबर नहीं है मेरे पास। मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, आप मेरा नंबर ले लीजिए। डॉक्टर साहब, हाँ जी, अच्छे साइकेट्रिस्ट का नंबर आपको भी चाहिए? मैं बात आपसे कर रहा हूँ, आप मुझे नंबर लिखवा रहे हो। ये बात क्या हम वॉकी टॉकी पे कर रहे करते क्यों हूँ ऐसा काम जो मुझे ये करना पड़ता है? ये जिस लड़के का मुर्गा बना रहा हूँ ना मैं, इसने दो अजीब से काम किए हैं। एक तो अपनी कार में फिल्म चढ़ा ली है, फिल्म वो जो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, इलीगल है वो, और दूसरा इसको लड़कियाँ घुमाने का बहुत शौक है और बहुत सारी लड़कियों को ले गया गाड़ी में। आप ही नंबर देते हैं इनका। हेलो हेलो, मॉन्टी? हाँ बोल रहा हूँ, कौन? मॉन्टी जी, मैं योगेश बोल रहा हूँ करोल बाग से। आप करोल बाग आए थे ना गाड़ी में जहाँ काम कराते हो? हाँ भाई बोल। और भैया जी क्या हाल चाल है? बस बढ़िया भाई। अच्छा एक बात बताया योगेश, तेरे पास वो वाली लाइट पड़ी जो ब्रेक मारता हूँ तो पीछे से जल जाती है लाल वाली?
अच्छा जो ब्रेक मारो पीछे पीछे लाल वाली गाड़ी, वो जो अंदर अंदर जब पैसेंजर बैठते हैं वहाँ भी लाइट जल जाए ना, वो चाहते हो ना आप? हाँ, वही वही इंग्लिश भी जो बढ़िया वाली, वो कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा बिडिंग हटाना पड़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना गाड़ी में? वो फिर मैं चिपका दूंगा। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी तो एक नंबर है। मैं कब कर दूंगा सर, आप फिक्र मत करो ना भैया जी। हाँ तो, और सुन तो ले बढ़िया सी ट्यूब लगा दिया गाड़ी में, आवाज सी एक नंबर, पूरा मोहल्ला हिलाना मुझे यार। नहीं नहीं लगा दूंगा, ट्यूब आई है, नई ट्यूब आई है, उसमें क्या होगा डिक्की थोड़ी छोटी पड़ जाती है। आपकी सीएनजी तो नहीं है ना गाड़ी? ना ना पागल, तो बस नहीं नहीं वो सिलेंडर निकाल के ट्यूब लगा देंगे, फिर आप बेस देखना गाड़ी का, आप मोहल्ला ना हिला दो बात रखना। अच्छा मोंटी भैया, मोंटी जी। हाँ भाई। भाई ये थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, मैंने इसलिए फ़ोन किया था, ये अभी हमारे यहाँ ये नया छोटू आया अनिल, मैंने इसको डाटा भी है, मैंने कहा यार काम किया कर, और सर का मोंटी जी का काम किया कर, पूछा कर मेरे से क्या हुआ। आप अभी आप गाड़ी लेके आए थे ना, अभी लास्ट वीक आए, 15 दिन पहले आए हो, जब आपने वो फिल्म चढ़ाई थी ना फिल्म। अच्छा अच्छा हाँ, ये इसने थोड़ी गलती कर दी यार, माइंड मत करना, आप गाड़ी इधर ले आना, मैं ठीक कर दूंगा। क्या गलती कर दी? इसने फिल्म उल्टी लगा दी। होता क्या है जनरली जब फिल्म लगाते हैं तो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, ठीक है, अंदर से बाहर का दिखता है। हाँ फिर इसने उल्टी लगा दी, अब बाहर से अंदर का दिख रहा है, अंदर से बाहर का नहीं दिख रहा, बाहर वालों को सारा अंदर का दिखेगा, अंदर वालों को बाहर का नहीं दिखेगा, तो ये प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मैं मोंटी को खुद मैं फ़ोन कर देता हूँ, अपने ग्राहक हैं। हेलो, जाएगा तू? आप चिल्ला के रो है, ऐसी टेंशन क्यों ले रहे हो? चूते उसको दे दिया तूने, छोटे वो साले, कहाँ मैं कहीं बतवा दिया तूने, अड्डी हो गई।